फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक तो आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए। ठीक है, आप देख रहे हैं सिलेक्शन ओपन कर लिया हमने, फोटो ले लेते जो आपको एडिट करने ले लिए। इस डॉटर्स में जाने के बाद आपने डबल स्कोपर में जाना है, फिर अपने फोटो को चूज़ करना जो हमको बैकग्राउंड यूज़ करना है। जैसे कि हम कोई बैकग्राउंड चाहिए हम ये ले लेते हैं। लेने के बाद आपने सबसे ड्रॉप आइकन में क्लिक कीजिए, उसको फुल कर लीजिएगा, मार्क्स कीजिएगा, यहाँ से टूल्स में जाएगा, फिर एडिट्स में, फिर डबल स्कोपर, फिर इरेजर में जाइएगा। उसके जूम करके हम इरेज कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम जूम कर लिए, उसको धीरे से हल्के हाथ से इरेज करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा बैकग्राउंड इरेज हो रहा है। इरेज करने टाइम आप कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, आप जितना आराम से कीजिएगा इतना अच्छा आपका बैकग्राउंड इरेज होगा। तो जैसे कि हमारा बैकग्राउंड इरेज हो रहा है, हम जल्दी से कर लेते हैं इरेज। जैसे कि देख पा रहे हैं हमारा बैकग्राउंड इरेज हो चुका है, तो हम अच्छा से इसको इरेज कर लेते हैं और जल्दी से। तो यहाँ सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं हमारे एक साइड का बैकग्राउंड इरेज हो चुका है, तो हम नेक्स्ट साइड का भी बैकग्राउंड इरेज करते हैं। आराम से इरेज कीजिएगा। जब भी आप बैकग्राउंड इरेज करें तो आप ध्यान से इरेज करें और जल्दबाजी ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जितना टाइम बैकग्राउंड इरेज करने में देंगे उतना अच्छा रहता है, उतना बेटर रहता है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट साइड का भी इरेज हो चुका है, तो हम जल्दी से इरेज कर लेते हैं। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं हमारा नेक्स्ट साइड का भी इरेज हो चुका है, तो जल्दी से हम इरेज कर लेते हैं बिना टाइम पास के। जैसे कि देख पा रहे हमारा इरेज हो चुका है बैकग्राउंड, और हम नेक्स्ट सेट और इरेज कर लेते हैं जो हमने पहले किया था, वो सेट बाकी था थोड़ा सा, उसको भी इरेज कर लेते हैं। हमें एरो को रहने देना, क्योंकि हमें इसके इसी के ऊपर यूज़ करना है बैकग्राउंड का, तो इसको हम रहने देते हैं। सिर्फ साइड साइड का जो भी पोर्शन होगा उसको मिटा लेते हैं, जो बैकग्राउंड हमको नहीं चाहिए उसको हम हटा लेंगे। जैसे वीडियो को फास्ट कर देते हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं हमारा बैकग्राउंड इरेज हो चुका है, तो लेग हमारा कट गया, तो उसको हम रिफायर करते हैं। रिफायर करने के बाद हमको इरेज करना है, तो फास्ट कर देते हैं। जो हमें नीचे के साइड का जो बैकग्राउंड नहीं चाहिए था, जो पेयर हमें नहीं चाहिए, तो उसको हम इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद जो हमारे ऊपर सेट बाकी था बैकग्राउंड, उसको भी इरेज कर लेते हैं जल्दी से। जैसे कि आप देख पा रहे हमारे बैकग्राउंड इरेज हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ उसको भी हम इरेज कर लेते हैं जल्दी से। आप सब देख पा रहे हैं जैसे कि हमारा बैकग्राउंड इरेज हो चुका है, कुछ इस तरह का दिख रहा है। जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग हमारा बैकग्राउंड इरेज हो चुका है, इसको आप सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसको शेयर करेंगे ऑटोडेस्क पर। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग ऑटोडेस्क हमारा ओपन हो गया फोटो, तो उसके बाद हम लेयर में जाते हैं। लेयर में जाने के बाद हम इम्पैक्ट लेयर एक ले लेते हैं। उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन में जाएंगे, इमेज में जाएंगे। इमेज में जाने के बाद हमको जो बैकग्राउंड यूज़ करना है उसको ले लेंगे, जो हमें चाहिए था स्टिकर यूज़ करने के लिए, उसको ब्लेंडिंग डार्क ब्लेंडिंग उसका डार्किन कर देंगे। डार्किन करने के बाद आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे कि देख पा रहे हैं हमारा यहाँ पे अच्छा लग रहा है देखने में, अच्छा से इसको बैठा लेते हैं। हाँ सही है, उसको डन करते। डन करने के बाद हमको टूल्स में जाना है, टूल्स में इरेजर को लेना जो साइड में ब्लैक है, उसको मिटा लेंगे। उसके बाद देख लीजिए कुछ ऐसा है। फिर इमेज में जाएंगे, इमेज में जाने के बाद हम बर्ड्स का पंख को ले लेंगे। विंग्स को लेने के बाद हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, जहाँ हमें चाहिए उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
जल्दी से हम इरेज कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा साइड साइड से जो मिटा रहे हैं इसको मिटा दे रहे हैं जो हमको नहीं चाहिए था जो पार्ट। जैसे कि देख पा रहे हैं हमारा एडजस्ट हो चुका है। एडजस्ट होने के बाद हम नेक्स्ट इमेज को भी ले लेंगे नेक्स्ट साइड के लिए। तो हम सेकंड के ऑप्शन क्लिक करेंगे फिर इमेज में जाएंगे। इमेज में जाने के बाद फिर विंग्स ले लेंगे जो अभी हमने लाया था उसी को डबल ले लेंगे। उसके बाद अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ पर हमको चाहिए। फाइनल हमारा विंग्स को हमने बैठा लिया है यहाँ पे बेटर लग रहा था तो हम यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं जिसका जो उसका अनदर पार्ट है जो हमको नहीं चाहिए था। जैसे कि देख पा रहे हैं हमने अपने विंग्स को जो अच्छे से बैठा लिया है यहाँ पे सही लग रहा है। और जो अनदर बैकग्राउंड अनदर जो इमेज है उसको हम इरेज कर लेते हैं जो नहीं चाहिए हमको उसको इरेज कर लेते हैं। इरेज जैसे हो गया हमारा आप उसको कहते हैं सेव। और कलर ग्रेडिंग के लिए आपको नहीं आता तो उसके ऊपर वीडियो बना देंगे कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा। आप सब ने वीडियो देख लिया हमने एडिट कर लिया। आई होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करें और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों को कैसे लगा।